हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कंपेयर करेंगे बॉलीवुड की 2023 की तीन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज पठान, गदर 2 और जवान का। फ्रेंड, बॉलीवुड का आजकल बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है। 2022 में जितनी डलनेस थी, जितनी नेगेटिविटी थी, वो अब बॉक्स ऑफिस के नंबर से दूर हो चुकी है। किसने सोचा था कि सिर्फ 2023 में ही हम एक साल के अंदर तीन ऐसी मूवीज़ का चर्चा कर रहे होंगे जो कि हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ बॉलीवुड बनने की कैपेसिटी रखता हो। फ्रेंड, अगर हम तीनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कंपेयर करें डे वाइज, तो पठान ने अपने फर्स्ट डे 57 करोड़ की अर्निंग की थी, गदर 2 ने अपने फर्स्ट डे 40 करोड़, जबकि जवान ने अपने फर्स्ट डे 75 करोड़ की अर्निंग। और अपने फर्स्ट सिक्स डेज में हाईएस्ट अर्निंग पठान की अपने सेकेंड डे 70.5 करोड़ की रही थी, जो कि उसका रिपब्लिक डे का हॉलीडे था। गदर 2 की अपनी सबसे हाईएस्ट अर्निंग अपने फिफ्थ डे पे 55 करोड़ थी, जो कि इंडिपेंडेंस डे की हॉलीडे थी, जबकि जवान की सबसे हाईएस्ट अर्निंग अपने फोर्थ डे संडे वाले दिन आई है, जो कि 80 करोड़ की अर्निंग है। तो फ्रेंड, अपने फर्स्ट सिक्स डेज में पठान ने इंडिया नेट कलेक्शन में 306 करोड़ की अर्निंग कर ली थी, जबकि गदर 2 ने अपने फर्स्ट सिक्स डेज में 261.35 करोड़ की अर्निंग की। और जवान इन दोनों मूवी से काफ़ी आगे जाता दिखाई दे रहा है। आफ्टर फर्स्ट सिक्स डेज जवान का इंडिया नेट कलेक्शन 347.58 करोड़ है, यानी फर्स्ट सिक्स डेज के बाद जवान मूवी पठान से 41 करोड़ आगे है, जबकि गदर 2 से ऑलमोस्ट 85 करोड़। अब पठान और गदर 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन हुआ है 515 से लेकर 525 करोड़ के बीच में। गदर 2 को काफ़ी टक्कर भी मिली है बॉक्स ऑफिस पे, पठान को फ्री रन मिला है। अगर हम जवान और पठान की इस वक्त कंपेरिजन करें तो जवान के आगे बिल्कुल फ्री रन है। सितंबर के मंथ में ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ओवरसीज़ में भी कोई बड़ी मूवी नहीं आ रही, तो जवान का लाइफ टाइम अगर अभी से कंपेयर करें तो एटलीस्ट 600 से 650 करोड़ के बीच में जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपका क्या ओपिनियन है कि कौन सी मूवी सबसे आगे है, और आपको मूवीज में से सबसे बढ़िया मूवी कौन सी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।